होशंगाबाद में पुलिस प्रशासन का डर अब अपराधियों पर नहीं रहा। आरोपी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सिवनी मालवा का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने जमीन विवाद के चलते 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है आरोपियों ने एक व्यक्ति के भाई समेत उसके नाबालिग बच्चे पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मार डाला। ग्राम अयप्पा में पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ आरोपियों ने 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। ये मामला सामने आया है। दरअसल अनवर समेत 6 आरोपियों के द्वारा खेत में पानी दे रहे युवक को पहले लाठी और पाइप से पीटा गया। जब युवक बेहोश हो गया, उसे ट्रैक्टर से बांध रहे थे, तभी उसका भाई आ गया तो आरोपियों के द्वारा उसे भी पीटा गया और दोनों भाइयों को बेहोशी की हालत में ट्रैक्टर से बांध कर खेत से घर तक घसीट कर ले आए। युवक की मां को भी सामने ही कल्टीवेटर से बांध दिया गया और घर पर दोनों भाइयों राजेंद्र यदुवंशी, कुंवर सिंह सहित उनके 1-12 साल के बच्चे को लेटा कर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद 4 आरोपी ट्रैक्टर से थाने पहुंचे और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आनंद फानंद में थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस तरह की निर्मम हत्या से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि क्या पुलिस का आरोपियों पर से खौफ खत्म हो गया है? सवाल ये भी है कि क्या इसी तरह पुलिस फिल्मी तर्ज पर घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचती रहेगी? सूचना मिली है थोड़ी देर पहले कि अयप्पा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है। SDOP मौके पर है, मैं भी पहुंच रहा हूं। पूरे मामले की क्या वस्तु स्थिति है उसकी छानबीन। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 kg का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।